क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। ये तीनों पहले हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं अभी। 8 स्क्वायर और 15 स्क्वायर, इसका होल पावर है 1/2। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 8 की पावर 2 है, 15 की पावर 2 है, तो 2 को बाहर कॉमन निकाल के इससे 1/2 कर देते हैं। तो ये एकदम रॉन्ग है। अगर ये 8 × 8² × 15² होता तभी वो कॉमन निकल सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 × 15 एंड 2 इन, ये तब ये राइट था, यानी कि a² × b² अगर होगा तो a और b का ये होल पावर करते हैं ना, तो प्लस में तो करते नहीं है। तो सब स्टूडेंट ये मतलब ऑल सम स्टूडेंट्स यही काम करते हैं, तो ये रॉन्ग है। प्लीज आप चेक कीजिए, यहाँ प्लस है या मल्टीप्लाई है। अगर प्लस है तो उसको सॉल्व करके, प्रॉपर सॉल्व करके करना है। जैसे 8² = 64 एंड 15² = 225। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन में आप ये कॉम्प्लिकेटेड चीज लगा देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको ऐड करेंगे तो 289 आएगा, 289 होल स्क्वायर। अब 289 किसका होल स्क्वायर होता है, 17 × 17 = 289। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे थोड़े से। तो 217, यहाँ पे 1/2 है बेटा, 17² × 1/2। अब a की पावर n और उसकी भी पावर m, तो a की पावर n इंटू, ऐसे हो जाता है। तो अब देखिए 17 पावर 2 × 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर इज 17। ठीक है स्टूडेंट, 4 तक क्वेश्चन हुए थे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, √x·-2/3 एंड y·4, फिर रूट में है वो xy² 1/2 एंड ये रूट है। इसको सॉल्व करने के लिए इसका रूट हटाते हैं। सबसे पहले रूट a का मतलब है a की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, x की पावर 1/2, फिर इसकी भी पावर −2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, y की पावर 4, इसकी पावर 1/2 डिवाइड बाय xy, इसकी पावर 1/2 एंड होल पावर 1/2। इसको खोल देते हैं, a की पावर n, फिर m, a की पावर n इंटू m। ठीक है, x की पावर 1/2 × −2/3 एंड y की पावर 4 × 1/2 डिवाइड में xy की पावर 1/2 × 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसका ये कैंसिल होगा, ये x³ एंड y² डिवाइडेड बाय x² 1/2 × y² 1/4 2 2 4 हुआ, तो डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती है। ये x डिवाइड हो रहा है x से, x 1/3 यहाँ माइनस था बेटा, ये माइनस है, माइनस चलता हुआ आ रहा है, इन −1/4 एंड इनटू y, ये −1/4 डिवाइड बे पावर्स रिड्यूस हो गई, लेस हो जाती है, लेस मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है।
ठीक है, सो ये एलसीएम आएगा 12, 4 और 3, ठीक है, एलसीएम तो आता है ना, 12, 4 माइनस, ये है माइनस, यहाँ पे 3 इनटू एलसीएम आएगा वाई का इधर 4, 4 टू 8, 8 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट, मैं थोड़ा आराम से करवा रही हूँ ताकि समझ आ जाए। तो x पावर आएगा माइनस 7 अपॉन 12 एंड y पावर आएगा 7 अपॉन 4। थैंक यू सो मच, यही आंसर था इसका।